नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आज आपके लिए लाए हैं एलिफेटिक कन्वर्जन रिएक्शंस, जो कि कन्वर्जन रिएक्शन को समझने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको हम आपको एक एटलस की हेल्प से बताएंगे। चलिए फिर आप दोस्तों आज देखते हैं एटलस। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन रिएक्शंस को। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे CH4 मेथेन्स को लेकर के। मेथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। आपको अगर बनाना है इसे आपको एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप Cl2 से रिएक्शन कराओगे। सनलाइट एंड Cl2 रिएक्शंस, ये कन्वर्ट करेगा CH3Cl क्लोरोमेथेन। अब इस क्लोरोमेथेन को आपको मान लीजिए चेंज करना है, कन्वर्ट करना है एथेन में। तो एथेन को कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आपको वुड्स रिएक्शन, और जो वुड्स रिएक्शन होती है वो होगा प्रेजेंस ऑफ Na एंड ईथर। कन्वर्ट करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन में। इस एथेन को कन्वर्ट करना आपको एल्किल हैलाइड में फिर से। तो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने जैसे स्टार्टिंग में रिएक्शन लिया था सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 रिएक्शंस, इसको भी आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड Cl2। कन्वर्ट हुआ ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। दोस्तों, एल्किल हैलाइड ऐसा आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे आप कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे लाइक एस फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, ऐसे आप कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। देख, जैसे इस एल्किल हैलाइड से आपको प्रिपेयर करना है एल्कीन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स में। अब इस एल्कीन से मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए आपको सबसे सिंपल मेथड क्या बताया जाता है, आपको रिएक्शन करवाना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब आपको ये ट्रीट कराना है एल्कोहलिक KOH CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन में कन्वर्ट हो गया। एसिटिलीन से आपको प्रिपेयर करना है, मान लीजिए इसमें और आपको नंबर ऑफ कार्बन जोड़ने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए देखिए, प्रेजेंस करवाइए इसमें NaNH2 CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na। एसिटिलीन का कैरेक्टर एसिडिक होता है, इसलिए वो NS से रिएक्ट करके सोडियम एस्टेनिलाइड बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNa। अब इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है, इसमें एल्केन जोड़ना है, तो एल्केन जोड़ने के लिए का नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl से ट्रीट कराओगे, तो ये प्रोडक्ट देगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड को आप कहेंगे प्रोपेन वन आयन। अब इसके बाद आपको मान लीजिए इसी कंपाउंड से प्रिपेयर करना है कीटोन, तो कीटोन प्रिपेयर करने के लिए आप लेंगे यहां पर Hg2 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड CH3COCH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसको आप बोलेंगे कीटोन। अब दोस्तों, इसको यहीं पर छोड़ रखिए अभी। अब आपको CH3Cl से प्रिपेयर करना है एल्किल साइनाइड, तो आप रिएक्शन कराओगे यहां पर KCN, तो KCN से ट्रीट कराओगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3CN। दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस CH3CN से अगर आपको प्रिपेयर करना है मान लीजिए एमाइन, तो एमाइन प्रिपेयर करने के लिए आप रिएक्ट कराओ इसको AlIAlH4 हाइड्रोजन और प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट होगा CH3CH2 एंड NH2। अब यहां पर आ जाइए एल्किल हैलाइड पर, और यहां पर आप ट्रीट कराइए एक्वस KOH, ध्यान रखना
एल्कोहलिक क्या चूज करेंगे तो वो HCl या अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे तो उसको रिमूव करेगा, HBr HCl को रिमूव करेगा। एक्वस के OH यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हुआ CH3 CH2 OH, एल्कोहल प्रिपेयर हो गया। इसी एल्कोहल से आपको प्रिपेयर करना है कीटोन, तो कीटोन प्रिपेयर करने के लिए आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज क्रोमिक ऑक्साइड या PCC यूज कर सकते हैं। PCC मींस पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आप यहां पर यूज करिए PCC, ये कन्वर्ट होगा CH3CHO। एल्डिहाइड के बाद आपको प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो फिर से आप फर्दर ऑक्सीडेशन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एस KMnO4, ये कन्वर्ट होगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। तो दोस्तों अब आपको जैसे यहां पर दिया गया CH3CH2NH2 एमाइन से अगर एल्कोहल प्रिपेयर करना है तब भी आप यूज करेंगे इस रिएक्शंस को HNO2 यूज करोगे तो ये एमाइन आपका कन्वर्ट जाएगा एल्कोहल में। अब वापस लौटते हैं हम लोग CH3COOH, CH3COOH आपका कंपाउंड जो होता है दोस्तों, अगर आपको प्रिपेयर करना है कार्बामाइड रिएक्शंस में, तो दोस्तों हमने प्रिपेयर किया था CH3COOH से, अमोनिया से ट्रीट कराया और इसको हीट कर दिया तो आपको मिल गया कार्बामाइड CH3CONH2। CH3CONH2 से आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से आपको सी डबल बॉन्ड O हटाना है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को आपको रिड्यूस करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप Br2 से ट्रीट कराओ और KOH, तो ये आपका होगा CH3NH2। तो दोस्तों आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, यहाँ पर एमाइन से आपने प्रिपेयर किया HNO2 से रिएक्ट करा के एल्कोहल, तो यहां पर भी आपको CH3NH2Amine मिला है। आपको इससे फिर से एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे आप, HNO2 से ट्रीट कराओ, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH, CH3OH दोस्तों। अब यहां पर लौट आइए CH3CN पे, तो CH3CN पे अगर आपको साइनाइड से अगर आपको एसिड प्रिपेयर करना है तो मेथिल साइनाइड आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिए H3O पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से दोस्तों अगर आ लिया आपको प्रिपेयर करना है CH3COCl कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, PCl5 का यूज करोगे, PCl5 का जब यूज करते हैं आप तो ये कन्वर्ट होता है CH3COCl। CH3Cl को फर्दर ट्रीट करोगे आप डाई एल्किल कैडमियम, तो ये फिर से आपको कीटोन्स दे देगा। डाई एल्किल कैडमियम CH3 2CD, आपको कीटोन मिल गया। तो दोस्तों यहां पर आपने CH3OH प्रिपेयर किया मेथेनॉल, मेथेनॉल से आपको प्रिपेयर करना क्या, आपको फिर से मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है इथर प्रिपेयर करना है, तो इसको आप ट्रीट करवा दीजिए रेड फास्फोरस और आयोडीन से, ये कन्वर्ट होगा CH3I। और फिर से क्या करेंगे आप दोस्तों, एल्केल हैलाइड मिल गया है, एल्केल हैलाइड से एल्केल बनाने के लिए सबसे सिंपल मेथड है आप उसको सोडियम और इथर में ट्रीट करवा दीजिए। तो यहां से सोडियम और ईथर से आपने ट्रीट करवाया और फिर से आपको मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोस्तों लौटते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या बनाना है, जैसे आपने यहां पर CH3COCl बनाया उसके बाद आपको डाई एल्किल कैडमियम के प्रेजेंस में कीटोन प्रिपेयर कर लिया। अब उसके बाद यहां पर हम लोग जो कार्बामाइड लेते हैं CH3CONH2, आपको इससे बनाना है मेथिल साइनाइड। तो आप क्या करेंगे, यहां से ट्रीट करवाइए P2O5,
P2O5 से टीट कराओगे तो मेथिल साइनाइड आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों अभी आपको बचा हुआ यहाँ पर एस्टिक एसिड से, अगर आप आपको ईथर बनाना है तो ईथर बनाने के लिए भी आपके पास सिंपल मेथड है। एस्टिक एसिड लो और यहाँ पर C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कन्वर्ट होगा CH3COOC2H5, ईथर में प्रिपेयर हो गया। अब दोस्तों ये सारे पूरे डिटेल समझने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है करना, पहले आपको एक बार इस पूरे मैप को एक तरीके से फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। जैसे आपने क्या किया था, मेथेन लिया था, मेथेन से आपने एल्केलाइड प्रिपेयर किया, फिर एल्केलाइड से नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप उसको वुड रिएक्शन करवा दीजिए और आपको नंबर ऑफ कार्बन उसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। अब और अगर आपको ऐसे ढेर सारे कार्बन, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आपको बढ़ाने हैं तो सबसे सिंपल मेथड क्या, आपको वुड रिएक्शन करवाइए। तो फिर से आपको उसको सनलाइट और CL2 रिएक्शन करवाया, आपको मिला CH3CH2Cl और CH3CH2Cl के बाद फिर आपने क्या करवाया, हमारे एक्वस क्योज यूज कराया और एल्कोहलिक क्योज यूज कराया। जब इन दोनों को ध्यान रखना, एल्कोहलिक क्योज यूज करेंगे तो आपको एल्किन मिलेगा और एक्वस क्योज यूज करोगे तो एल्कोहल मिलेगा। बाकी दोस्तों ऐसे बिल्कुल सिंपल से मेथड है, तो आप सब ये सब पढ़िए, स्टडी करिए और आगे कन्वर्जेंस करिए। तो दोस्तों हम एग्जांपल्स आपको लेके समझाते हैं कन्वर्जन रिएक्शन आप लोग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ। पहली कन्वर्जन आपको करना है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो दोस्तों एथेनॉल फॉर्मूला लिखिए CH3CH2OH, इसको कन्वर्ट करना आपको ब्यूट वन आइन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड CH3CH CH CH2, जिस कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना है। तो आपके पास चार कार्बन आपको बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने इंक्रीज करना है आपको, फोर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पे आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट करोगे। एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है मेथड, एल्कोहलिक, सॉरी दोस्तों इसको आप ट्रीट कराओ पहले SOCl2, SOCl2 से ट्रीट कराएंगे तो ये CH3CH2Cl देगा एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें आप जो मैप आपने पढ़ा है उस मैप की हेल्प से हम लोग यूज करते हैं। पहले इसको एल्किन में कन्वर्ट करो, एल्कोहलिक के ओ एच CH2 डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए आपने क्या किया था, ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया था, तो इसको भी आप ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए आपने क्या किया था, फिर से एल्कोहलिक के ओ एच यूज किया था और ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल गया था एसिटिलीन कंपाउंड। तो एल्कोहलिक के ओ एच सी एच ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन आपके पास फोर होने चाहिए, यहां पर कितने कार्बन है, ओनली टू। तो आप जो एल्किल हैलाइड यूज करोगे, एल्किल हैलाइड में कम से कम नंबर ऑफ कार्बन टू होने चाहिए क्योंकि आपको फोर कार्बन लाने हैं। तो आपने ट्रीट करवाया, इसके बाद NaNH2 और ये कन्वर्ट हुआ था CH ट्रिपल बॉन्ड CNa। अब आपने क्या किया था, CH3CH2Cl जब इसके प्रेजेंस में आप ट्रीट करवाओगे तो आपको फिर से मिल जाएगा ब्यूट वन आइन। दोस्तों ये आपका कन्वर्जन। लेटेस्ट टैक एंड अदर एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करने वाली है, वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन। तो क्या करेंगे आप, वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एग्जांपल
फॉर्मूला लिखिए मेथ एथ प्रोब, वन पर ब्रोमीन लगा है इट मींस दैट CH2 Br CH2 CH3, इस ब्रोमीन को आपको थर्ड कार्बन सेकंड कार्बन पे लगाने हैं। तो आप सबसे पहले SBr को रिमूव कर दीजिए। SBr को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH यूज करोगे। तो एल्कोहलिक KOH यूज किया और आपको मिला CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों आपने मार्कोनी कॉफ रूल पढ़ा होगा, मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, जब SBr के एडिशन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन अटैच होता है। तो आपको मार्कोनी कॉफ रूल यूज करके SBr का एडिशन करवाना है। तो ये कन्वर्ट होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2। तो आपको मिल गया यहां पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर आपने क्या किया था, मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है, जब आप किसी एल्कीन पर SBr का ऐड करते हो तो लेस नंबर ऑफ जहां पर कार्बन हाइड्रोजन रहता है वहीं पर आपके नेगेटिव पार्ट जाकर अटैच हो जाता है। तो ब्रोमीन आपका वहां अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, तो CH3 CHBr CH2 हो गया। दोस्तों अदर एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है 2 क्लोरो ब्यूटेन 2-3-4 डाई क्लोरो डाइमेथिल हेक्सेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, सबसे पहले आप लिखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन 2-3-4 डाई मेथिल हेक्सेन। दोस्तों ये कन्वर्जन आपको करना है, तो ये कन्वर्जन आप कैसे करोगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बातें, कि 2 क्लोरो ब्रोपेन ब्यूटेन से आपको 3-4 डाइमेथिल हेक्सेन करना है, 6 कार्बन आपको लगाने हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले 2 क्लोरो ब्यूटेन फॉर्म लिखिए, सेकंड पे क्लोरीन लगा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3। आप क्या करेंगे दोस्तों, सोडियम और ईथर का यूज करोगे, वोल्टेज रिएक्शन। तो क्या होता है, Na और Cl निकल के NaCl बनाएगा और आपका जाकर के वो दूसरे वाले एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो इसी कार्बन से दूसरा वाले इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, तो ये कन्वर्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसी CH से आपका CH3 अटैच है, तो हो जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 1-2-3-4-5-6 6 कार्बन, और इसका नाम क्या होगा, 2-3 डाइमेथिल हेक्सेन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमने आपको मैप बताया उस मैप की हेल्प से आप कैसे कन्वर्जन रिएक्शन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आपने इसमें क्या किया था, 2 क्लोरोब्यूटेन लिया था, 2 क्लोरोब्यूटेन से आपको प्रिपेयर करना था 2-3 डाइमेथिल हेक्सेन। तो 2-3 डाइमेथिल हेक्सेन आपने क्या करवाया, Na और ईथर का यूज किया और 2 एल्किल ग्रुप आगे अटैच होकर एक दूसरे से और आपको एल्केन्स मिल गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगला वाला वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।